वार्ड नंबर 26 के वार्ड पार्षद के भावी उम्मीदवार सह नामचीन समाज सेवी राजीव कुमार मिश्रा ने 75वें आजादी दिवस को भव्य तरीके से मनाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में वार्ड के आमजन ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। पूर्णिया के नामचीन ज्योतिषाचार्य पंडित दयानाथ मिश्र के हाथों तिरंगा फहराया गया और मौजूद लोगों ने देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के साथ ही देश समाज को प्रगति के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ाते रहने की बातें कही। वहीं राजीव मिश्रा ने आमजनों का स्वागत करते हुए उन्हें आजादी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। चल जल दित रंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाता जन गण मंगल धारे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। वहीं इस दरमियान पूर्णिया के माधोपाड़ा में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं नामचीन समाज सेवी धीरेन्द्र यादव ने अपने आवास पर भव्य आयोजन के साथ तिरंगा फहराया। ध्वजारोहण समाज सेवी नंद यादव के हाथों किया गया। इस दरमियान कई नामचीन शख्स मौजूद थे। वहीं बड़ी संख्या में आमजनों ने भी इस समारोह में हिस्सा लिया। इस दरमियान धीरेन्द्र यादव एवं नंद यादव ने कहा कि हमें अगर देश और समाज को आगे बढ़ाना है तो प्रत्येक व्यक्ति के विकास के बारे में सोचना होगा और प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है, इसीलिए शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस को जो हम लोग मना रहे हैं और ये देश हमारी आज़ाद होने के बाद जो सेना हमारी बलिदान दिए थे मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उनकी आज़ादी पर हम लोग जो है स्वतंत्रता मना रहे हैं। असम स्वतंत्र देश अभी कोरोना काल से बहुत विकृति काल से गुजर रही है और इस लॉकडाउन के चलते बहुतों व्यक्ति गरीब मजदूर किसान सबों की बहुत परेशानी हुई और ये सरकार को हम बधाई देते हैं कि इस कोरोना काल में भी बहुत संयम से जितनी भी काम लिया गया और जो संयम से काम लिया गया उसको मैं बधाई देता हूँ कि जो काम संयम से नहीं जो अनिवार्य किया गया मैं उसका विरोध भी करूँगा। जिस तरह आजकल इस कोरोना काल में भी 9 महीना से ऊपर किसान आज धरना पर बैठे हुए हैं, सरकार अभी तक उसको सुध नहीं लिए हैं और हम लोग जो है अपने समाजवादी पार्टी जनता दल डेमोक्रेटिक की तरफ से जो है सभी कार्यकर्ता के साथ आज हम लोग जो झंडा उत्तोलन किए गए और उस पर से हम सरकार से हम लोग एक आग्रह करेंगे कि किसान के प्रति ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है इस पर जो है इंसाफ करें और इससे सुध लें और किसानों की जब तक भलाई नहीं होगी ये हमारा देश ये किसान किसी प्रधान देश है जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक मेरा देश खुशहाल नहीं होगा। वहीं पूर्णिया के हाउसिंग बोर्ड में ग्राम रक्षा दल कार्यालय में भव्य आयोजन के साथ 75वें आजादी दिवस को मनाया गया। इस मौके पर भव्य आयोजन के साथ तिरंगा फहराया गया जिसमें बड़ी संख्या में जिले भर से आए ग्राम रक्षा दल के सदस्यों ने हिस्सा लिया। तिरंगा जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा के हाथों फहराया गया। साथ इस दरमियान उन्होंने संबोधन में कहा कि ग्राम रक्षा दल हमेशा से समाज के उत्थान के लिए संघर्ष करता रहा है किंतु सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, इसीलिए ग्राम रक्षा दल अब समाज की सेवा करते हुए अपने अधिकारों के लिए भी संघर्ष करेगा।